गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर रिसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास नर्सरी से प्रेप के लिए, और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे, अ से अनार वाली, है ना। तो आपकी ऑल इन वन रीडिंग बुक से हम पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों पहले क्या करते हैं हम, और क्या करेंगे, और तो आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है ना। मैं बोलूंगी, आपको भी बोलना है। चलो बच्चों बोलो। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से डी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। बजाओ बच्चों ताली। और प्रेप क्लास को मैंने क से कबूतर दिया था, तो अपन वो भी पढ़ेंगे आज। पहले वापिस पढ़ लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से मली, बड़ी से ई, ऊ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से डी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। अब ये प्रेप क्लास के लिए भी और ओरल करेंगे, क्योंकि इनको मैंने ये वाला काम डाला था, तो इसका भी ओरल करना जरूरी है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ड खाली। यहाँ तक दिए था ना, ड खाली तक। एक बार वापिस पढ़ो। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ड खाली। तो आज का अपना ओरल हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे काम, होमवर्क। क्या करेंगे, होमवर्क। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ई, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। यह खाली आपको मैंने क्या डाला था, होमवर्क। तो आई होप आप सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो एक बार वापिस अपन दोहरान कार्य में कर लेते हैं। अह खाली, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये तो आप फटाफट अपने आप ही कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें अपन को पहले अ से अनार लिखना है, वो तो अब आपको आता है, और पीछे दो बिंदु लगाने हैं, तो अह खाली बन जाता है। ये क्या बन जाता है, अह खाली। ये क्या बन गया, अह खाली। बजाओ बच्चों ताली। अह खाली, अह खाली, अह खाली। ऐसे आपको भी बोल बोल के ही करना है, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि आपको सीखना भी तो जरूरी है, खाली लिखने से कुछ नहीं होता है। अपन को आना भी चाहिए, है ना, कि अपन क्या लिख रहे हैं, अपन क्या लिख रहे हैं बताओ। अह खाली, क्या लिख रहे हैं, अह। तो ये है आपकी पिछली क्लास का होमवर्क, और ये वाला मैंने क्लास प्रेप को डाला था। तो आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा जो प्रेप में पढ़ रहे हैं, है ना। इसका भी अपन दोहरान कार्य कर लेते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ड खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी,
खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी। ड खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी। ड खाली। तो ऐसे आपको बोल बोल के करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक आपको अगर सीखना है अच्छे ढंग से तो आपको बोल बोल के लिखना पड़ेगा। तो ये प्रेप क्लास के बच्चों को मैंने पिछली क्लास में काम डाला था वो वाला है। अब आज का आपका होमवर्क ये है क्लास नर्सरी के लिए, है ना। ये कौन सी क्लास के लिए? नर्सरी के लिए, नर्सरी केजी के लिए, नर्सरी और केजी के लिए। किसके लिए? तो ये वाला काम हमने कहाँ तक किया था? अह खाली हो गया था, क्या हो गया था? अह खाली हो गया था, है ना। तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और क्या लिखेंगे? क से कबूतर, क्या लिखेंगे? क से कबूतर, ऐसे। ये क से कबूतर आपको लिखना है। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर। तो आपको ऐसे ये वाला काम करना है ना बच्चों। तो फटाफट आपको ऐसे क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। पहले सीधी लाइन खींच ली, फिर गोला किया, फिर ऊपर ऐसे आधा गोला करना है। पहले एक खड़ी लाइन, फिर ऐसे पूरा गोला घुमा के, फिर एक आधा गोला। तो आपको ऐसे फटाफट आ जाएगा। तो ये क्या है? क से कबूतर। ये तो हो गया क्लास नर्सरी केजी के लिए। अब इनका क्या हो गया? सी डब्ल्यू हो गया। अब ये एच डब्ल्यू है, वो भी आपको क्या करना है? क से कबूतर, है ना। तो आपको ये क से कबूतर होमवर्क में करना पड़ेगा। किसको? नर्सरी केजी वालों को, क्योंकि उनके अह खाली हुआ है। तो अह खाली के बाद में वापिस क से कबूतर करना है ना। और अब आई बारी क्लास प्रेप की। तो प्रेप क्लास वालों को मैंने क्या दिया था? क ख ग घ ड़ दे दिए थे, है ना। तो आज प्रेप क्लास वालों का होमवर्क है च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, य खाली। ये आज का आपका क्या है? होमवर्क। तो पहले आप लोगों को अपनी नोटबुक में लाइनें खींचनी है ताकि आपका उल्टा सुल्टा काम ना हो जाए, है ना। और अब रही बात जो अभी प्रेप में है, तो वो पहले नर्सरी वाला काम भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीखने की जरूरत है। 2 साल स्कूल नहीं आए हो, इसलिए आप लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। जिनका अभी नया एडमिशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं नर्सरी केजी लिख रही हूँ ये वाले पेपर ही करेंगे। लेकिन जो 2 सालों से हमारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो नर्सरी केजी पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है। वो प्रेप क्लास में आ गए हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, तो उनको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। तो आज का आपका क्या होमवर्क हो गया? एक तो हो गया क से कबूतर, है ना। क्या हो गया? एक तो हो गया क से कबूतर होमवर्क, ये वाला जो मैंने डाल रखा है। और एक आपके क्या हो गया प्रेप क्लास वालों के लिए? च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, य खाली। तो यहाँ पे आपको होमवर्क करना है च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, य खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, य खाली। तो ये प्रेप क्लास वालों का क्या है? होमवर्क, है ना। आपको ये लिखना
आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई कर ली है तो आपको ये लिखना आना ही चाहिए, है ना। और धीरे धीरे प्रयास भी करते रहना, और हम ये भी आपको एक एक अक्षर भी सिखा रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को अभी तक थोड़ा बहुत लिखना नहीं आ रहा है वो इधर से यहाँ से नर्सरी के जी के जो काम डाल रहे हैं उनसे सीख लेंगे, बाकी वाला काम आपको ये वाला अपने आप करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आज का आपका ये होमवर्क है, और आपको अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से करना है, और मंडे को आपको कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल आना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।